हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी एना जॉर्ज। आज फिर एक न्यू व्लॉग के साथ आपके साथ आई हूँ, ऑलमोस्ट एक महीने बाद, जो कि बताता है कि आई एम नॉट अ गुड व्लॉगर। बट चलते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ दिन से, कुछ वीक से आई वाज नॉट फीलिंग वेल। इट वाज अप एंड डाउन, और फ़ोन पकड़ने को भी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, कुछ करने को दिल नहीं कर रहा था। तो इसी के साथ मैंने सोचा बस बहुत हो गई रेस्टिंग, और आप चलते हैं और आपसे कुछ बातचीत करते हैं, कुछ बताते हैं। और आज मुझे बोलना भी नहीं आ रहा, आज मैंने कैमरा भी कुछ नए तरीके से पकड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से आजकल व्लॉगर पकड़ते ना फ्लिप कैमरा करके, अब मुझे नहीं पता कि मैं कैसी दिख रही हूँ इसमें। बट चलते हैं, और ये ऑलमोस्ट आज शाम का वक्त है, लाइक 5 o'clock दुबई टाइमिंग के साथ। और अभी अभी मैंने अपना कैरेट जूस ख़त्म किया है, क्योंकि मैं हर 2-2 घंटे बाद कुछ मील ले रही हूँ, बिकॉज डॉक्टर सजेस्ट मी, डॉक्टर सेड के खाली पेट बिल्कुल भी नहीं रहना। और जैसे कि आप देखते होंगे कि मेरे आंखों के नीचे क्या कहते हैं, डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बट पता नहीं क्यों हो रहे हैं, बट शायद मैं सो बहुत ज़्यादा रही हूँ इस वजह से भी, क्योंकि कभी कभी कहते हैं कि ज़्यादा सोने से भी जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो हो जाते हैं। और साथ ही साथ मैं देख रही हूँ टीवी, सिस्ट्रियोलॉजी व्लॉग चल रहा है, अब मैं वही देखना शुरू किया था। और अब बस बैठी हुई थी और बैठे बैठे सोचा चलें हम अपनी यूट्यूब फैमिली को हेलो करते हैं। और साथ में ये टीवी चल रहा है मेरा, और घर पे बहुत ज़्यादा गंदी, मीन्स किचन में कुछ भी काम नहीं किया हुआ, सब कुछ ऐसा पड़ा। रात मैंने निहारी बनाई थी, वो वहाँ पे पड़ी हुई है, और अभी अभी मैंने जूस जो निकाला, जूस वहाँ पे है, जूस की मशीन सॉरी, और ये खाली जूस का कप यहाँ पे है। और साथ ही साथ में मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया है, जो कि न्यू चीज़ है मेरे घर पे। लाइक बहुत देर से मेरे घर में ये नहीं था, और मैं हर रोज़ सोचती थी कि मैं अब लूँगी, बट कभी कभार होता है कि दिमाग से कुछ चीज़ें निकल जाती हैं। तो ये मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किया है, एंड बहुत यूज़फुल चीज़ है। और ये इसने मुझे गिफ्ट भी कब किया, जब मेरी बर्थडे थी, एंड आई एम रियली सॉरी मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ नहीं शेयर कर सकी, बिकॉज जैसे कि बताया थोड़ी तबीयत अप एंड डाउन चल रही थी। तो ये मुझे मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया, ये मुझे मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी, और आई होप ये आपको देख के अच्छा लगा होगा। और कैसा लगा मुझे कमेंट डाउन में बताना। और साथ में बाहर का वेदर भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, बिकॉज इट्स हॉट आउटसाइड। अभी के यहाँ तक कि अक्टूबर स्टार्ट हो गया है, बट स्टिल यहाँ पे रेन का कोई भी मुझे वो नहीं नज़र आ रहा कि मतलब बारिश कब होगी, क्या होगा, कुछ भी नहीं। सुना था कुछ दिन पहले कि क्लाउड सीडिंग यहाँ दुबई में शुरू हो गई है, बट स्टिल देर इज़ नो चांस ऑफ एनी रेन हियर। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या चल रहा है इधर। ये है गाइज यहाँ का वेदर, और सूरज जी फिलहाल आज जल्दी चले गए हैं, वो हैं सूरज जी, और ऐसा कुछ चल रहा है। तो यस गाइस, अब मैं वापस आ गई हूँ, मैंने सारे काम अपने ख़त्म कर लिए हैं, सही है। और अभी जो है मैं डिनर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। डिनर में मैं आज बनाऊँगी मसूर की दाल की खिचड़ी, जो कि काफ़ी लोग खाते होंगे, एंड मैनी पीपल नो कि वो बहुत ही यम्मी होती है। और उसमें अक्सर मैं चाट मसाला डालती हूँ, ये है शान का चाट मसाला, और उसमें मतलब मैं ज़्यादा स्पाइस नहीं डालती, ओनली चाट मसाला होता है, ब्लैक पेपर होता है, सॉल्ट होता है, और यू आर गुड टू गो। तो उसके लिए मैं सबसे पहले बॉईल करी हूँ मसूर की दाल, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ये मैंने बॉईल रखती हुई है। और साथ में मैं अपने लिए बनाऊँगी चाय, मैं पीऊँगी चाय, आज थोड़ा सा लेट हो गया है, बट इट्स ओके। चाय का एक क्या कहते हैं, जो एक नशा होता है, एक सुबह और एक शाम, वो तो पूरा करना ही करना है। और मैंने थोड़ी देर पहले अभी खाना भी खाया था, और खाना मैंने खाया वही जो रात को मैंने जो क्या कहते हैं निहारी चिकन की बनाई थी, उसके साथ मैंने खाई थी ब्राउन ब्रेड, जो कि कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, बट मैंने खाई है।
इसी तरह ही मिलते हैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में. अंटिल देन आप सब बहुत अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि आपकी सिस्टर आपकी बहन और ज़्यादा अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाए और इसी तरह कंटिन्यू रहे अपनी जॉब में जो कि एक एक महीना में गायब हो जाती है. आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट. आई वॉन्ट टू बी रेगुलर इन माई व्लॉगिंग्स. तो होप टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन टेक केयर. बाय. लव एंड सपोर्ट.